हाय, गुड आफ्टरनून सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस ट्यूसडे के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आमतौर पे मंगलवार के दिन पुणे से rajeshsatpute.com के राजेश सतपुते साहब हमारे साथ जुड़ते हैं और आज भी जुड़े हुए। सतपुते साहब, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बस बातचीत के अपन कुछ ही देर में शुरुआत करेंगे, उससे पहले सास बहू और सेंसेक्स में जो लोग शिरकत करना चाहते हैं, जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी क्वेरीज रेज करना चाहते हैं, उनकी उनको रीच आउट करने के तरीके जो हैं वो स्क्रीन्स पर रख दिए। वो पहले जो था वो व्हाट्सएप नंबर था, बाकी सारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी कि कोई ट्विटर, कोई इंस्टाग्राम, कोई थ्रेड के आईडीज हैं, यहाँ पे आप रीच आउट करिए। कोशिश करेंगे आपसे बातचीत करके एक दिन तय करने की जिस पे आप लोग जुड़ेंगे और सतपुते साहब जैसा कोई एक्सपर्ट आपकी हमारी मदद करेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आप लोगों से कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जाएगा ताकि कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपसे बातचीत, वैसे भी जब आप इंक्लूड होंगे शो में तो हमारे पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा ताकि आप तक हम लोग रीच आउट करें, शेड्यूल कर सकें और आपको जोड़ सकें। खैर, सिलसिला है थोड़ा सा लंबा रहता है, प्लीज जल्द से जल्द रीच आउट करते रहिए। अब आइए जरा सा भारतीय बाजारों के आज के समीकरण पर। एक चौथाई एक तिहाई फीसदी दबाव के साथ इस समय भारतीय बाजार कामकाज करते हुए 260-270 के आसपास दिन के लोज थे, नियर डेज लोज हम इस समय कामकाज करते हुए, जबकि ग्लोब की तस्वीर पहले देखता हूं। अच्छा, एक मिनट रखिए जरा एशिया का मूड स्क्रीन्स पे, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि ठीक है एशिया तो जो कामकाज कर रहा है अच्छी मजबूती, और निकेई तो खैर सुबह से तेजी तूल पकड़ी 3.5%, पूरा एशिया मजबूत है। और इस समय एज वी स्पीक यूएस के फ्यूचर्स भी 0.25% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो ग्लोब बढ़िया हरे में है। यूएस अपने खुद के PPI प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स यानी कि अपनी भाषा में कहें तो WPI इन्फ्लेशन के नंबर से पहले स्ट्रेंथ के साथ मूव कर रहा है, तो फिर दिक्कत हमारी अपनी है और हमारी दिक्कत आज बन गई है HDFC बैंक। आज सुबह चर्चा हुई थी कि MSCI ये हैवी वेट ऑलमोस्ट 3% दबाव, निफ्टी 50 की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा स्क्रीन्स पे। अगर ये HDFC बैंक इस तरह निफ्टी अगर 60 पॉइंट गिरा हुआ है तो 82 पॉइंट्स दबाव HDFC बैंक का है। एक्स ऑफ HDFC बैंक निफ्टी इस समय ग्रीन में है। दो पॉकेट दबाव बना रही है जहां जहां HDFC बैंक का रिप्रेजेंटेशन है अदर देन निफ्टी, जहां वेट ज्यादा है। निफ्टी बैंक उठाइए, निफ्टी फाइनेंशियल्स उठाइए, वो दोनों सबसे ज्यादा वीक हैं क्योंकि HDFC बैंक इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो एक्स ऑफ HDFC बैंक समीकरण इतने बुरे नहीं है, ये एक सरदर्द बना हुआ, और ये सरदर्द इसीलिए बना हुआ है, जरा सा थोड़ी सी लंबी चार्ट खोल दीजिएगा। HDFC बैंक क्योंकि MSCI रीबैलेंसिंग की जब बात आ रही थी, अपडेट्स की जब बात आ रही थी, तो एक्सपेक्टेड था 3.6 बिलियन डॉलर्स का फ्लो आएगा, इनफ्लो आएगा, ऐसा अनाउंसमेंट आएगा। ऐसा हुआ नहीं, 1.8 बिलियन डॉलर्स के फ्लोज आएंगे इस बार अगस्त की रीबैलेंसिंग में, मतलब इतना पैसा विदेश का आएगा स्टॉक में, आएगा लेकिन 1.8 बिलियन डॉलर्स आएगा। फिर बचे हुए 1.8 का क्या? MSCI कह रहा है उसके लिए जब हम नेक्स्ट रिव्यू करेंगे, उससे पहले कुछ कंडीशंस अगर मीट हो रही होंगी तो फिर 180 बिलियन डॉलर 1.8 बिलियन डॉलर का एडिशनल फ्लो आएगा। तो जो एकमुश्त आना था वो एकमुश्त आ नहीं रहा है, उस पर भी थोड़ी सी इफ्स एंड बट्स के साथ कंडीशन लगी हुई है, तो थोड़ा सा ये दिक्कत। बाजार जो एक्सपेक्ट कर रहा था और जो हुआ वो तस्वीर अलग है, ऐसी HDFC बैंक ऐसे बिहेव कर रहा है। सतपुते साहब, पहले HDFC बैंक ठीक है, बनता था थोड़ा दबाव आना, इसकी चर्चा भी हो रही थी सुबह से और आपकी टाई भी लाल थी ऐसी गाड़ी, तो बनता था HDFC बैंक ऐसे, लेकिन जहां खड़ा है आके ये जोन्स पे क्या रणनीति होगी, क्या ये स्टॉक एक्यूमुलेट करने वाले जोन पे आ गया है या नहीं? गुड आफ्टरनून आशीष जी, और आशीष जी टाई तो आपकी भी लाल है सुबह से, मैं देख रहा हूं, शेड थोड़ी अलग है। अच्छा आशीष जी, देखिए HDFC बैंक की अगर बात करें तो मुझे लगता है जब तक ये 1600 का लेवल मेंटेन करेगा तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस लुक्स लाइक ए कंसोलिडेशन टू मी।
मोटा मोटी रेंज मुझे लगता है कि 1600 से लेके 1700, ये 100 पॉइंट्स के रेंज में ही कंसोलिडेट करेगा। तो फिलहाल तो देखिए आज का, ठीक है, आज का न्यूज का इम्पैक्ट आप उस पर देखोगे तो प्रोबेबली करंट लेवल से एक 10-15 रुपए और घटेगा, लेकिन आज के लिए उतना ही, मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा घटेगा। तो मेरा जो बायस है HDFC बैंक पे वो न्यूट्रल है, और रादर मैं कहूंगा स्लाइटली पॉजिटिव है। तो आज के लिए तो मुझे लगता है ठीक है, आज का दिन थोड़ा सबड्यूड रहेगा, लेकिन मोटा मोटी काउंटर में अभी तक कहीं भी ऐसे बड़े बड़े सेल सिग्नल्स नहीं आए, तो दिस इज जस्ट अ न्यूज इम्पैक्ट। हाँ, एक्युमुलेशन हुआ होगा, इवेंट से पहले डिसअपॉइंटमेंट आया तो ठंडा पड़ गया। मतलब जितना 1600 के आसपास एक बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है उसको डिफेंड कर रहा है, तो एक्युमुलेशन वाला स्टॉक है ना हाँ जी, मुझे लगता है कि बस। अगर देखिए 16 16 HDFC बात की अगर आप बात करें तो मुझे लगता है 1600 के नीचे तो घटेगा नहीं। तो थोड़ा अगर वहां पे रेस्ट ले, थोड़ा कंसोलिडेट करे, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो भाई यहाँ पे एक्युमुलेट करे। लेकिन फिलहाल के लिए हमें वॉच करना पड़ेगा कि 1600 का जो लेवल है उसको HDFC बैंक किस तरह से रिस्पेक्ट करता है। कुछ देर में सत्य साहब से निफ्टी पे भी स्ट्रैटेजी ले लूंगा, कुछ देर बाद उनकी SBI स्टॉक पिक भी ले लूंगा, लेकिन पहले जो शो का प्रिमाइस है, आप लोगों की क्वेरी एड्रेस करना। आज भोपाल, गुड़गांव और उज्जैन जाना है, सब आपको आपकी स्क्रीन्स पर रेडी नजर आएंगे। सबसे पहले भोपाल और खुशी सूर्यवंशी के पास। खुशी जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। खुशी जी कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस खुशी मैम बिल्कुल ठीक। खुशी मैम कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो? अरे बढ़िया चल रहा है सर अभी तो। वाह खुशी मैम, कैसे स्टॉक, कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट से जुड़े आपको, 6 महीने हुए अभी मेरे को। और कैसे स्टॉक डिसाइड करते हो, खुद ही अपना या ब्रोकर वोकर मदद कर रहा है, घर पे कोई मदद कर रहा है? नहीं, मेरे हस्बैंड हेल्प करते हैं, प्लस आप लोगों का देखकर मार्केट में इन्वेस्ट करती हूँ। और खुशी मैम पहला सवाल सतपुते साहब के लिए कौन सा? सर जियो फाइनेंस का हाँ? जिस लिए हुए हैं कि लेने का मन है खुशी मैम? सर लिए हुए, मैंने 5,000 शेयर लिए हुए हैं। 8331 जियो फाइनेंशियल, आई एम अज्यूमिंग लंबी अवधि के लिए आज से ट्रेडिंग का मन बना लिया था, जी सर, लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो में ऐड किया है या ट्रेडिंग वेडिंग का मन था जियो में? लंबी अवधि के लिए। भाव के आसपास ही खरीद, भाव जो भाव चल रहा है बाजार भाव उसी के आसपास खरीदा हुआ है सतपुते साहब। कैसा है जियो फाइनेंशियल्स, चार्ट्स पे प्लॉट करके कुछ समझ में आता है आपको कि लंबी अवधि के लिए अट्रैक्टिव बेट बन रहा है या नहीं, क्योंकि अभी फंडामेंटली बहुत कुछ टटोलने को नहीं है मेरे पास, जी चार्ट्स का कुछ आशीष सेटअप जी, देखिए बता रहा है क्या? आशीष जी, देखिए मेरा व्यू जो है, मेरा बायस आपको तो पता है, जियो फाइनेंस हमेशा पॉजिटिव साइड पे रहता है। इनफैक्ट हमने बजट के टाइम पे भी इस पे बात की थी, तब ये कुछ 225-250 रुपए था, और अभी भी मुझे लगता है कि ये जो रैली मिली थी उस रैली को ये करेक्ट किया है, और इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स 200 DMI, जो करीबन 320 के आसपास है। तो आप पकड़ के चले, एक राउंड फिगर थ्योरी होती है कि 300 ये इसका एक फिगर हो गया, तो 320 और 300 ये जो इस ब्रैकेट में मुझे लगता है जियो फाइनेंस का बाय बनता है। तो फिलहाल तो मैं ये कहूंगा आप यहाँ पे बने रहे, थोड़ा सी कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा सा टाइम वाइज कंसोलिडेट करेगा। देखिए एक तो करेक्शन होगा, कोई प्राइस वाइज होगा, नहीं तो टाइम वाइज, मुझे लगता है प्राइस वाइज हो चुका, अभी थोड़ा टाइम वाइज होगा, तो प्रोबेबली 300-320 में कंसोलिडेट होगा, और इवेंचुअली ये फिर से अपनी स्ट्रेंथ दिखाएगा। मुझे लगता है इवेंचुअली 1 साल के ऊपर का टारगेट अगर आप रखे तो 400+ का बनेगा, तो आपको स्टॉप लॉस जो है वो 290 का रखना पड़ेगा और होल्ड रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है लंबी अवधि के लिए आज से, खासतौर पर जिस पेडिग्री का है उसको लेकर लोग बुलिश रहते हैं। ठीक है, देखते हैं फाइनेंशियल कैसे अनफोल्ड होते हैं, लेकिन सत्य साहब कह रहे हैं होल्ड करना चाहिए मैम, कोई दिक्कत नहीं। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो प्लेटफॉर्म CNBC आवाज़ है और जियो फाइनेंशियल जो स्टॉक जिसकी चर्चा हो रही थी, दोनों कंपनीज के प्रमोटर्स एक हैं, तो किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करिएगा। इंदु मैम के पास गुड़गांव जा रहा हूं। इंदु मैम जी गुड आफ्टरनून। इंदु जी आपकी पहली क्वेरी क्या है? सर, मैंने जुलाई 2022 में चंबल फर्टिलाइजर 300 रुपीज के हिसाब से 1000 की क्वांटिटी में लिए, तो इसका 52 वीक हाई 574 रहा है। आज तक इसका प्राइस 505 है, मतलब 4% डाउन देखने को आया है। और बजट में एग्रीकल्चर को काफी पुश मिला है, मानसून भी काफी अच्छा ही जा रहा है, तो ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है?
ठीक है, हाई से करेक्ट हुआ होगा, लेकिन लार्जली कंसोलिडेट ही कर रहा है। आपको बढ़िया कमा के दिया, बहुत बढ़िया रीरेट हुआ, और रह रहे के रीरेट होता है, कंसोलिडेट करता है, फिर चलता है। तो स्टॉक तो बढ़िया था आपके लिए, और आपको तो 200 रुपये पर शेयर का गेन हो रहा है, क्वांटिटी भी बढ़िया है सतपुते साहब। इंदु मैं पूछूं क्या कि अपने प्रीवियस हाईस पे कब तक पहुंचेगा, ये स्टॉक की चार्ट्स कैसी लग रही है लंबी अवधि के लिहाज से, ऐसा पूछूं? सतपुते जी, यस साहब बताएं। आशीष जी, आपने मेरा आधा आंसर तो दे दिया। मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, मोटा मोटी ये कंसोलिडेट हो रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो इसमें एक रैली हो चुकी है, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि जो कंसोलिडेशन है इट इज नथिंग बट टाइम वाइज करेक्शन। तो ये टाइम वाइज करेक्शन में है, मुझे नहीं लगता कि ये 450 के नीचे जाएगा। ऑन द कॉन्ट्री, मुझे लगता है जब ये कंसोलिडेशन ओवर होगा उसके बाद ये फिर से एक रिसेंट हाई बनाने की कोशिश करेगा। मुझे मेरा मोटे मोटे इसका टारगेट 600 650 का रहेगा। तो फिलहाल तो मैं ये कहूंगा आप इसे होल्ड रखें, तो स्टॉप लॉस पे मस्त। मुझे लगता है कि आप 450 450 की बात की, मैंने 450 पे ही स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर करेक्शन होता है तो ये मिड कैप है, शार्प कट आते हैं इसमें, तो 450 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, 600 प्लस के टारगेट लेके काम करें। अगर 600 के ऊपर चला जाता है तो फिर आप प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हो। 600 650 आपका पैसा डबल, वहां चाहे तो मुनाफा बांध ले। उज्जैन से अंजना जी जोड़ती हुई। अंजना अंजना, मैं फोन लाइन में गया। अंजना जी, सुन पा रहे हो आप? अंजना मैम हाय, गुड आफ्टरनून। आपका पहला सवाल सर, मेरा क्वेश्चन आरबीएनएल को लेकर है। मैंने आरबीएनएल के 45 शेयर 573 के रेट से परचेज किए। और ये क्यों, मतलब ट्रेडिंग का मन था अंजना मैम? छोटी अवधि के लिए आज लूंगी, चलेगा, निकल जाऊंगी, या लंबी अवधि के लिए रख लिया है? सर शॉर्ट टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म कैसे डिफाइन करते हो? मतलब आपने लिया था तो क्या सोच के लिया था, कितने समय के लिए या किस भाव पे निकलोगे, क्या सोचा था? सर 600 के अबव था मेरा टारगेट, बट जब से लिया है तो डाउनफॉल ही दिख रहा है मुझे, तो मुझे आपसे सजेशन चाहिए। कुछ स्टॉप लॉस लगाते हो आप क्या? आपने आरबीएनएल पे कुछ स्टॉप लॉस लगा के रखा है? नहीं सर। ठीक है, 3-3.5 रुपए पर शेयर ऊपर, ये दलाली मिला के कह लीजिए भाव टू भाव है। सतपुते साहब, आरबीएनएल कैसा लग रहा है? आशीष जी देखिए, आरबीएनएल का चार्ट तो बढ़िया है, इनफैक्ट डेली चार्ट पे कन्विंसिंग बाय मिलता है, और बाय का जो लेवल है वो है करीबन 556 एट द सेम टाइम। तो अगर इस लेवल के आसपास, क्योंकि देखिए कहीं पे भी एंट्री और एग्जिट राइट हैंड नहीं मिलता, तो ये अगर आप ध्यान में रखें तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो आप होल्ड में होल्ड रखें, इसका स्टॉप लॉस रखें 520 का। मेरे हिसाब से आशीष जी इवेंचुअली यहाँ पे रैली मिलेगी, 650 650 प्लस का टारगेट है। कब आएगा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि बाजार थोड़ा करेक्शन में है, बट आई थिंक काउंटर में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप होल्ड रखें प्लस 520 लीजिए। भाई आपने 600 प्लस का सोच के रखा था, और सतपुते साहब भी कह रहे हैं ये जाएगा उसके ऊपर, 650 तक के लक्ष्य नजर आते हैं, पर हाँ 520 पर अपना SL स्टॉप लॉस लाके रखते हैं। मैम सतपुते साहब आगे बढ़ूँ, उससे पहले जरा SBS स्टॉक पिक हो जाए, कोई बढ़िया सा स्टॉक आइडिया आपकी तरफ से, उसके बाद बाकी क्वेरी सॉल्व करते हैं। आशीष जी देखिए, फिलहाल तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा वन नीड्स टू बी वेरी कॉशियस। ऐसा नहीं कि आप बस यहाँ पे कूद के जंप करके कुछ भी बाय कर लो, वो थोड़ा अगर आप देखें तो मुझे जो पर्टिकुलरली अच्छा लगता है दैट इज एक्साइड। एक्साइड में प्योरली ये मोमेंटम कॉल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा बायस थोड़ा सा बाजार पे वीक है। मुझे लगता है निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन अगर कुछ बाय करना है तो फिर एक्साइड बाय करें। करंटली इट इज एट 500, एक 10 रुपए इधर उधर होगा, इवेंचुअली मुझे लगता है एक्साइड 550 करेगा। पोजिशनली आप एक्साइड बाय कर सकते हो, और आशीष जी ये कॉल जो है हमारे क्लाइंट के साथ भी हमने शेयर किया हुआ है, तो चार्टिकली एक्साइड लुक्स गुड टू मी। चार्टिकली एक्साइड अच्छा लग रहा है, विद ड्यू डिस्क्लोजर्स ये 550 तक जाने की कर रहा है तैयारी। खुशी मैम अगला सवाल। जी सर, सर अगला मेरा UPL के लिए है, जिसके 500 शेयर्स हैं मेरे पास। ये पिछला वाला भी 500 था? नहीं, पिछला वाला 5000 था, ये 500 है। ये कुछ न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हो आप क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। 500 542 की खरीद, ये भी लंबी अवधि के लिए खुशी मैम? जी सर, लंबी अवधि के लिए। हाँ सतपुते साहब, एक अंडर परफॉर्मर, अपनी अंडर परफॉर्मेंस के चलते निफ्टी के भी बाहर आ गया। निफ्टी के बाहर आया तो सबकी उम्मीदें जागी थी कि शायद अब चलेगा। आमतौर पर ऐसा होता है, नॉन निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट ज्यादा बेहतर कर जाते हैं जब बाहर आते हैं, सर दर्द से बाहर आते हैं तो। पर ये ऐसा कुछ ज्यादा चला नहीं है, पर हाँ गिर भी नहीं रहा उसके बाद से। सही पिक है क्या लंबी अवधि के लिए? UPL कैसा सेटअप लगता है आपको?
देखिए, यूपीएल ये एक लगाड़ काउंटर है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमने देखा 575 और 600 के बीच में। तो जब जब ये इस रेंज में यूपीएल जाता है तो वो जो तेजी मिलती है वहां पे इमीडिएट लगाम लगता है, ब्रेक लग जाता है और ये घूमना शुरू करता है, वहां से रिवर्ट होता है, रिट्रीट होता है। अगर इस टाइम यूपीएल इस लेवल के पार चला जाएगा तो फिर आप कहोगे कि यहाँ पे 700 700+ के टारगेट अनफोल्ड होंगे, बहुत जल्दी में आ जाएंगे वो। लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है कि वो रेजिस्टेंस जो है वो इंटैक्ट है, तो मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि यूपीएल फिलहाल इन दोनों में थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो आप बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 540। अगर ये 575 और 600 इस रेंज को पार करेगा फिर आपका स्टॉप लॉस आएगा 575, एंड यू कैन होल्ड यूपीएल फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ ये 700+। बट फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा अटका है, उस स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। क्या स्टॉप लॉस बोला फिर से, थोड़ा ऑडियो क्लियर नहीं आया। लेवल्स की बात करूं आशीष जी, 540 का स्टॉप लॉस है ना? हाँ देखिए, मेरा स्टॉप सॉरी, लॉस जो होगा वो 540 का होगा, और हाँ बाय, 600 का रेजिस्टेंस है, वो निकले तो फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना। परफेक्ट। इंदु मैम, अगला सवाल। जी सर, मैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, मैंने मार्च 2023 में 450 के हिसाब से 400 क्वांटिटी के शेयर्स लिए, तो इसका 52 वीक हाई 866 रुपीज रहा है। करंट में ये इसका प्राइस 778 है, 3% अप है ये। अभी इक्विटी मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट काफी बढ़ रहा है। इंडिया में डीमैट अकाउंट करीब 16 करोड़ के करीब खुल चुके हैं, तो शेयर ब्रोकर्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, तो मुझे लगता है इसमें अच्छा ही जाएगा, तो क्या करना चाहिए? जो आपको लगता है वो दिख रहा है, 450 पे आपको 350 का मुनाफा हो रहा है, और क्या लगना चाहिए? ये पूछूं कि मुनाफा बांध लेना चाहिए, अभी बने रहना चाहिए, जो आपने हाई का नाम लिया था वो वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे पूछूं क्या? हाँ जी, यही पूछना। डॉक्टर साहब बताइए भाई, मदद करिए इंदु मैम की। इंदु मैम का दिल मांगे मोर, उनका चंबल में भी पैसा बन रहा है लेकिन वो हाईस पे निकला नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है दिल खटक रहा है, और ऐसी आईसीआई सिक्योरिटीज में मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है। आशीष जी देखिए, ऐसे-ऐसे सिक्योरिटीज की बात करें तो रेजिस्टेंस कहाँ पे है? मेरे हिसाब हाँ से 800 के आसपास रेजिस्टेंस है, सप्लाई पॉइंट इज 800, पर 800 का लेवल पार करेगा फिर मुझे लगता है आराम से 850+ चला जाएगा। लेकिन अगर 800 के आसपास आ सकता है तो आप कह सकते हैं कि ये रेंज में बना रहेगा, 800 से लेके 740, मुझे लगता है ये 50 60 पॉइंट इसका रेंज है। और इनफैक्ट हालांकि आज की बात करें तो यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा काउंटर आपने बहुत अच्छा लिया है, बने रहे, 800 के बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करे, मुझे लगता है इन दैट केस आप इसका नया हाई भी देख पाओगे, तो काउंटर में स्ट्रेंथ है, इट्स ए होल्ड फॉर मी। स्टॉप लॉस विल बी एट 725, क्योंकि आपने नीचे लिया है तो स्टॉप लॉस भी मैंने थोड़ा सा वो एक लिबर्टी ली और मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखा, लेकिन काउंटर अच्छा है, यू कैन होल्ड। चलिए इस नोट पर, अंजना जी, इंदु जी, खुशी जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, सतपुते साहब थैंक यू सो मच जुड़ के बढ़िया तरीके से क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। ब्रेक ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक, आपका स्वागत है। ठीक है, मार्केट ठंडे हैं, ब्रेथ ठीक है, थोड़ी सी डिक्लाइंस के फेवर में, 3:4 का रेशियो हो सकता है डिक्लाइंस के फेवर में, थोड़ी सी डिटोरिएट हो रही है, बात अलग। आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है आरती इंडस्ट्रीज, वायदा में 16% के दबाव के साथ इस समय ट्रेड, जिस चंबल फर्टिलाइजर की हम लोग अभी भी चर्चा कर रहे थे वायदा में, वो 5.5% दबाव में। ऐसी कई सारे स्टॉक, सन टीवी कल डबल डिजिट फॉल के बाद आज फिर 4-5% कमजोर, 2 दिनों में ऑलमोस्ट 15% करेक्ट कर गया। इस तरह से कई सारे स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स पेन झेलते हुए। खैर, ऐसे स्टॉक्स की चर्चा तो बहुत डिटेल में मिडकैप मंत्र में अगले शो में होगी, आज के सास बहू और सेंसेक्स में इतना ही। नमस्कार।